अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं रीसाइक पीएलसी। रीसाइक पीएलसी इज अ कंपनी दैट रीप्रोसेसेस फैक्ट्री वेस्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट गुड क्वालिटी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन के अंदर बिजनेस ऑफ द कंपनी को नोट करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। रीसाइक पीएलसी क्या करती है, वो फैक्ट्री वेस्ट उठाती है और उसको अच्छी क्वालिटी के एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करती है, वेस्ट को कन्वर्ट करती है। रीसाइक पीएलसी प्लेसेस एन एडवांस ऑर्डर ईच ईयर फॉर केमिकल एक्स फॉर यूज इन द एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। रीसाइक पीएलसी केमिकल एक्स का ऑर्डर प्लेस करती है एडवांस में साल के शुरू में, ताकि वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके। यानी केमिकल एक्स चाहिए होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। इट विल एंटर इनटू एडवांस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कमिंग ईयर फॉर द केमिकल एक्स एट वन ऑफ थ्री लेवल्स। या तो हाई लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी मंगवाई जा रही होगी, या मीडियम लेवल का होगा, या फिर लो लेवल का केमिकल एक्स मंगवाया जाएगा। Which correspond to the requirement of a high, medium or low level of waste available for responding. यानी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो वेस्ट है वो कितना आता है। ज़्यादा वेस्ट आएगा ज़्यादा केमिकल एक्स चाहिए होगा, कम वेस्ट आएगा तो कम केमिकल एक्स आपको चाहिए होगा। The level of waste available will not be known when the advance order for chemical X is entered into. ये बहुत important है, जो level of waste है ये पता नहीं होगा, ये पता नहीं होगा जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, तो आपको नहीं पता होगा कि कितना वेस्ट आपको अवेलेबल होने वाला है। और इसी की वजह से ये एक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन बनने जा रहा है कि हम जिस वक्त ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे उस वक्त हमें पता नहीं होगा हमें ज़रूरत कितने की है, लेकिन हमें एडवांस में ऑर्डर प्लेस करना है। अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैव बीन एस्टिमेटेड बाय मैनेजमेंट एज टू द लाइकलीहुड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बीइंग एट हाई, मीडियम और लो लेवल। प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है कि कितना कितना चांस है कि वेस्ट किस लेवल पे अवेलेबल होगा। वेयर द एडवांस लेवल ऑर्डर एंटर्ड इनटू फॉर केमिकल एक्स इज लोअर देन द रिक्वायर्ड फॉर द लेवल ऑफ वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एक्चुअली रिसीव्ड। अगर हमने जो केमिकल एक्स का एडवांस ऑर्डर किया हुआ है वो कम है, लोअर है उससे जो हमें एक्चुअली चाहिए। देखिए, अगर हमने लो लेवल का लेट से एडवांस ऑर्डर किया हुआ है और हमारे पास जो वेस्ट आ जाता है वो हाई लेवल का आ जाता है, तो हाई लेवल के लिए तो आपको ज़्यादा केमिकल एक्स चाहिए होगा। लेकिन अगर हमने ऑर्डर लो लेवल का ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है तो हमें ये ऑर्डर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अपग्रेड करवाएंगे तो इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वही क्या कह रहा है, अ डिस्काउंट फ्रॉम ओरिजिनल डिमांड प्राइस इज अलाउड बाय द सप्लायर। जो भी आपने एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस डिसाइड की थी उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑर्डर को इंक्रीज करने के लिए की वजह से। अच्छा, और ये मिलेगा आपको टोटल क्वांटिटी के ऊपर, सिर्फ एडिशनल क्वांटिटी के ऊपर नहीं मिलेगा, सारी क्वांटिटी के ऊपर मिलेगा आपको। वे द एडवांस ऑर्डर एंटर्ड इनटू केमिकल एक्स इज इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द एक्चुअल लेवल्स ऑफ वेस्ट। और वाइस वर्सा क्या है कि अगर आपने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो ज़्यादा है, पहले से आपने ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर लिया, बाद में ज़रूरत आपको लगता है कम है क्योंकि वेस्ट कम आ गया है, तो फिर जाहिर है जब आपने ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया होगा तो आपको उसने लोअर प्राइस कोट की होगी। बाद में जब आप उसको चेंज करवा के स्मॉल साइज करवाओगे ऑर्डर को, तो वो फिर आपको प्राइस बढ़ा के देगा, पेनल्टी चार्ज करेगा। जो भी प्राइस इनिशियली उसने आपको बताई होगी उसमें वो मजीद एक कॉस्ट ऐड करेगा, और वो सारी क्वांटिटी के लिए ऐड करेगा, टोटल क्वांटिटी के लिए ऐड करेगा। अब वो कितना कितना है वो जरा देख लेते हैं। सो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अगर हाई लेवल की हो, यानी आपके पास वेस्ट हाई लेवल का है, तो उसमें कितना वेस्ट आता है बेसिकली आपके पास 50,000, और ये थाउजेंड में फिगर है तो थ्री जीरोज आप समझ लीजिएगा कि हैं, हम पढ़ेंगे इसको 50,000। सो 50,000 किलोग्राम्स का वेस्ट हाई लेवल में आपके पास आता है, मीडियम लेवल का मतलब है 38,000 का वेस्ट आता है, और लो लेवल का मतलब है 30,000 का आता है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि इसका कितना चांस है कि आपको ये लेवल्स मिलेंगे। अगर आपने हाई लेवल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है
तो आपको $1 पर केजी पड़ेगा केमिकल एक्स। लेकिन अगर आपने मीडियम लेवल का ऑर्डर किया हुआ एडवांस में तो 1.2, और लो लेवल का किया 1.4, और यही प्राइसेस आपको चार्ज होंगी अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करते हो बाद में। लेकिन अगर आपको बाद में फील होता है कि आपने तो लो ऑर्डर का प्लेस किया था, 1.4 आपको प्राइस चार्ज की गई थी, लेकिन अब आपको लगता है कि मीडियम लेवल की ज़रूरत है क्योंकि वेस्ट अवेलेबल जो हुआ है वो मीडियम लेवल का हुआ है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो तो लो लेवल का हुआ था, उस पर आपको उन्होंने ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दी थी 1.4, अब आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हो, तो ज़ाहिर है सप्लायर का बेनिफिट है कि आप बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो तो वो आपको डिस्काउंट देगा $0.1 का, यानी 1.4 की बजाय वो आपसे 0.1 कम चार्ज करेगा, 1.3 करेगा। और अगर आपने लो से हाई पे जाना होगा, यानी आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट लो का किया होगा लेकिन अब आपको बाद में लगता है कि हाई लेवल का होना चाहिए, तो फिर वो आपको 0.15 का डिस्काउंट देगा, यानी 1.4 में से 0.15 माइनस कर देगा, 1.25 आपको चार्ज करेगा पूरी क्वांटिटी। और इसी तरीके से मीडियम टू हाई आपने चेंज करना तो वो भी दिया। लेकिन अगर हायर ऑर्डर से लोअर पे आ रहे हो तो फिर वो आपको प्राइस ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे अगर आपने मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया हो, मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस करके आपको प्राइस क्या पड़ी होगी, 1.2, और बाद में आपको लगा कि इसको रिड्यूस करवाना है, मीडियम टू लो करवाना है, तो वो आपको 0.25 एडिशनल चार्ज करेगा, यानी पहले 1.2 कोट किया था, अब 1.2 के मुकाबले में 0.25 ज़्यादा चार्ज करेगा, यानी $1.45 आपको चार्ज करेगा, क्योंकि आप अपना ऑर्डर साइज कम करवा रहे हो। एल्यूमिनियम जो एक्सट्रैक्ट होगा वो उसका 1 kg $0.65 का बिकेगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें केमिकल एक्स की कॉस्ट शामिल नहीं है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है, वो 70% है सेल्स रेवेन्यू का, यानी इस 0.765 में से 70% वेरिएबल कॉस्ट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेस्ट इज 15%, यानी आपके पास जितना भी वेस्ट आता है उसका 15% सिर्फ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, यानी अगर 50,000 का वेस्ट आपके पास अवेलेबल होता है तो पूरा 50,000 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं होगा, जस्ट 15% उसका एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा और उसी को आप बेच पाओगे। केमिकल एक्स जो है वो आपको 1 kg चाहिए होता है हर 100 kg ऑफ वेस्ट के लिए, सो हर 100 kg के लिए आपको 1 kg ऑफ केमिकल एक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारी रिक्वायरमेंट पहली क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ समरी व्हिच शोज द बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन earned by RESAC PLC for the coming year for each of 9 possible outcomes. 9 possible outcomes यानी 9 possible contributions क्या हैं वो आपको calculate करने हैं. So let's go to the solution and see वो कैसे calculate किए जाते हैं. सबसे पहले एक payoff table हम बनाएंगे. I have already designed the format. Format मैंने बना लिया है. एक payoff table है जो कि contribution show करता है, जिसके columns के अंदर हमेशा आप अपने options को place करोगे, याद रखिएगा. जब भी आप पे ऑफ टेबल बनाएंगे तो कॉलम वाइज आप अपने ऑप्शंस रखोगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस वेस्ट की अवेलेबिलिटी का नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो फैक्ट्री से जितना आएगा आएगा। हमारे हाथ में है कि हम केमिकल एक्स का ऑर्डर किस लेवल पे प्लेस करें, तो लेवल ऑफ ऑर्डर हमारे ऑप्शंस है, या तो लो लेवल का, या मीडियम का, या हाई का। उसके बाद लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है लो लेवल के ऑर्डर के अंदर, या तो ये होगा कि हो सकता है हमारे पास वेस्ट भी लो लेवल का आ जाए, तो फिर हमें ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट और हमने जो ऑर्डर प्लेस किया होगा वो मैच कर रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि हमने ऑर्डर तो लो लेवल का प्लेस किया होगा क्योंकि वो एडवांस में प्लेस करते हैं, और बाद में हमें पता चला कि यार वेस्ट तो मीडियम लेवल का आया है, तो हमें हो सकता है लो से मीडियम पे कन्वर्ट करना पड़े, तो उस केस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और अगर हाई लेवल का वेस्ट आ जाता है तो उस केस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 3 पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलेंगे इन केस हम लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। हो सकता है हमने मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया और फिर यही 3 कंडीशंस आ रहे हैं, और हो सकता है हमने हाई लेवल का ऑर्डर प्लेस किया और हमारी कंडीशंस ये तीनों आ गया। देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज के 9 पॉसिबल काम हो सकते हैं, और हमें हर पॉसिबिलिटी के कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम आते हैं लो लेवल के ऊपर। लो लेवल का ऑर्डर अगर हमने प्लेस किया हो और हमारे पास लो लेवल का वेस्ट आ जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करने की वजह से हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी। जब हम लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इनिशियली हमें $1.4 कोट करेगा प्राइस, हमारा ये ऑर्डर फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास वेस्ट लो लेवल का आया होगा तो हमें केमिकल एक्स कितना चाहिए होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि हर 100 kg के लिए आपको $1 1 kg का केमिकल एक्स चाहिए होता है, तो 30,000 को डिवाइड कर दें 100 से और फिर मल्टीप्लाई कर दें 1 से, ताकि हम ये देख सकें कि केमिकल एक्स हमें
कितना चाहिए होगा, हर 100 के लिए 1 चाहिए, तो 30,000 को पहले 100 से डिवाइड किया और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये देखने के लिए कितना केमिकल एक्स चाहिए होगा। सो वी विल बी नीडिंग 300 किलोग्राम्स ऑफ केमिकल एक्स। अच्छा 300 किलोग्राम ऑफ केमिकल एक्स हमें पड़ेगा कितने का? अच्छा हम 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें, इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट। सो 300 और 1 केजी पड़ेगा 1.4 का। कॉस्ट जो आपको केमिकल एक्स की पड़ेगी वो $420 की पड़ेगी, $420,000 की, थाउजेंड में फिगर्स। अब ये तो कॉस्ट होगी केमिकल एक्स की, अब देखते हैं रेवेन्यू हमें कितना मिलेगा। ज़ाहिर है रेवेन्यू डिपेंड करेगा कि हम एल्यूमिनियम कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एल्यूमिनियम कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे पास वेस्ट कितना आ रहा है, और वेस्ट हमारे पास 30,000 किलोग्राम्स का आ रहा है। लेकिन क्या हम पूरे 30,000 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं, जस्ट 15% ऑफ वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। तो कितना एल्यूमिनियम बन रहा होगा 15%, 30,000 का ले लेंगे। ये सेल कितने का होगा 1 kg? $0.65 का सेल होगा, $0.65। तो अगर हम 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन वो कहता है 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो 0.65 में से 70% तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 30% उसका ले लेंगे ताकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद की फिगर आ जाए, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम केमिकल एक्स की कॉस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इन केस हमने लो लेवल का ऑर्डर प्लेस किया होगा और वेस्ट भी लो लेवल का आ जाएगा, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा ये आ जाएगा, या कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो आ जाएगा। सो रेवेन्यू, यहाँ तक रेवेन्यू आ गया, उसके बाद 30% लिया ताकि 70% वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाए, और उसके बाद हमने केमिकल एक्स की कॉस्ट माइनस। अब अगर हमने ऑर्डर लो लेवल का प्लेस किया हो लेकिन बाद में पता चलता है कि हमें मीडियम लेवल का वेस्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया, तो जाहिर है फिर हमें लो लेवल के केमिकल एक्स के ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, हमें इसको अपसाइज करना पड़ेगा। बट उसमें होगा क्या वो देखो जरा। सबसे पहली चीज़ हमें 1.4 कोड किया गया था, लेकिन अब हम लो ऑर्डर साइज से मीडियम पे जा रहे हैं, तो लो टू मीडियम वो हमें डिस्काउंट देगा $0.1 का। तो 1.4 की जगह हमें कॉस्ट पड़ेगी 1.3, इसमें से 1.1 का डिस्काउंट माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लो से मीडियम की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। अब हमें 30,000 किलोग्राम्स नहीं, हमारे पास वेस्ट जो आ रहा है वो 38,000 है, तो हमें 38,000 को डिवाइड बाय 100 करके देखना पड़ेगा कि केमिकल एक्स अब कितना चाहिए होगा, और पूरा का पूरा केमिकल एक्स हमें 1.3 का पड़ेगा क्योंकि उसने कहा टोटल क्वांटिटी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और अब केमिकल एक्स एक्सट्रैक्शन जो है वो भी 38,000 के बेस हिसाब से होगी, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन, तो 38,000 का 15% ले लिया ताकि ये पता चल जाए कितना एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होने जा रहा है, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि रेवेन्यू आ जाए, और उसका 30% ले लिया ताकि उसमें से 70% अदर वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाए, 617.5। इसी तरह अगर हमें हाई लेवल का वेस्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो हम क्या करें, तो हमारे पास केमिकल एक्स की कॉस्ट फर्दर कम हो जाएगी लो टू हाई। लो टू हाई पे वो कहता है हम आपको 0.15 का डिस्काउंट देंगे, यानी अगर आपने पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो 1.4 का था तो उसमें से 0.15 माइनस कर देंगे, यानी 1.25 चार्ज करेंगे। अब चाहें तो उसको ब्रैकेट में 1.4 लिखें ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने इसको कैसे किया है, और इसमें से 0.15 का डिस्काउंट माइनस करें। अब ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी वर्किंग दिख जाएगी कि आपने इसमें से डिस्काउंट माइनस किया है। 30,000 की जगह यहाँ पर आप 50,000 आएगा क्योंकि हाई लेवल का वेस्ट अवेलेबल है, तो हाई लेवल का केमिकल एक्स चाहिए होगा, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर भी आपके पास अब वेस्ट 50,000 होगा, 50,000 इंटू 15% इंटू 0.65 इंटू 30%, ये सब सेम रहेगा। सो अब 837.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो लो लेवल का ऑर्डर अगर हमने इनिशियली प्लेस किया होगा तो तीन पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकते हैं, इनमें से कोई एक मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वेस्ट कितना एक्चुअली अवेलेबल होने जा रहा है। अब ज़रा इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद सेम पैटर्न से मीडियम और हाई लो लेवल के जो ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से जो पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो कैलकुलेट कीजिए, और अनपॉज करके इसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वही फॉर्मूला तकरीबन यूज़ होगा, सिर्फ फिगर्स चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, क्या हमने अब लो लेवल का ऑर्डर प्लेस किया है? नहीं, हमने मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ये हम मीडियम लेवल के ऑर्डर में, और मीडियम लेवल का ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो इनिशियल प्राइस 1.2 होती है, तो लेट मी राइट 1.2 फर्स्ट। और मीडियम लेवल के अंदर आपको 38,000 का वेस्ट अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से चाहिए होगा, और 38,000 का वेस्ट एक्सट्रैक्ट होगा।
लेकिन अगर हमने मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया होगा और हमारे पास वेस्ट जो आएगा वो लो लेवल का होगा, तो हमारा जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होगा वो केमिकल एक्स के ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि लेवल ऑफ वेस्ट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब मेरे पास वेस्ट ही 30,000 का आया है, तो मेरा केमिकल एक्स जो सॉरी मेरा जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन होगी वो भी 30,000 के हिसाब से होगी, नॉट 38,000। तो 30,000 लिखूंगा, उसका 15%, और ये सब कुछ तो सेम रहेगा, नो चेंज। और यहाँ पर भी मैं 30,000 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 30,000 के हिसाब से एल्यूमिनियम के लिए केमिकल एक्स चाहिए, 30,000 डिवाइड बाय 100। अब 1.2 तो वो था जब मैंने इनिशियली ऑर्डर प्लेस किया था मीडियम, तो उसने मुझे चार्ज किया था। अब मैं उसको कह रहा हूँ भाई मुझे मीडियम से लो पे आना है, क्योंकि मेरे पास वेस्ट ही लो लेवल का आया है। तो अब वो कहेगा ठीक है, यू आर गोइंग मूविंग फ्रॉम मीडियम टू लो, यानी आप अपना ऑर्डर साइज कम करवा रहे हो। तो जो हमने इनिशियली कम प्राइस आपको कोट की थी इस वजह से, क्योंकि आप मीडियम मंगवा रहे थे, तो अब हम आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे, आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे 0.25 की, क्योंकि आप अपना ऑर्डर साइज कम करवा रहे हो। तो जितना हमने आपको कोट किया था 1.2, उसमें अब हम पेनल्टी ऐड करेंगे 0.25 की, 0.25। तो जो प्राइस होगी अब 1.45 हो जाएगी, और बाकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। सो प्रॉफिट हो जाएगा 442.5। इसको मैं नीचे कॉपी करता हूँ। अब हम उसको कह रहे हैं नहीं भाई हमने मीडियम ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और हमें चाहिए भी मीडियम है, सो इसको 38 कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, इसको 38 कर देंगे, और यहाँ से ये डिस्काउंट तो पेनल्टी जो है वापस रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अब हम अपना ऑर्डर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, अब तो सेम ऑर्डर है, 1.2 के हिसाब से ही चार्ज होगा। वी आर नॉट चेंजिंग आर ऑर्डर साइज, तो 655.5। देन इसको दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास हाई लेवल का वेस्ट आया और हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है मीडियम का, तो पहले तो हमारे पास हाई लेवल का आने की वजह से हमें इसको 50,000 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 50,000 करना पड़ेगा। लेकिन प्राइस अब क्या होगी, अब हम मीडियम से हाई पे जा रहे हैं, अब हम ऑर्डर साइज बढ़ा रहे हैं, तो पेनल्टी नहीं लगेगी बल्कि डिस्काउंट मिलेगा 0.1 का। सो 1.2 उसने इनिशियली कोट किया था, अब वो उसमें से हमें डिस्काउंट देगा, माइनस करेगा 0.1, क्योंकि हम ऑर्डर बढ़ा रहे हैं, तो डिस्काउंट दे देगा 0.1 का, 1.2 के मुकाबले। सो $912.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब आते हैं हाई लेवल पर। जब हम हाई लेवल पे आएंगे तो हमने इनिशियली जो ऑर्डर प्लेस किया होगा वो हाई लेवल का किया होगा, इसलिए जो हमारी प्राइस होगी वो $1 होगी। यहाँ पे मैं इसको $1 कर देता हूँ, $1, ये $1 उसने हमें चार्ज किया होगा। लेकिन चूंकि हम अब इस सेल में हैं जो कि लो लेवल ऑफ वेस्ट को शो कर रहा है, यानी अगर लो लेवल का वेस्ट अवेलेबल हो जाए, भले आपने ऑर्डर हाई लेवल का किया लेकिन वेस्ट लो लेवल का अवेलेबल हो जाए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो वेस्ट अगर लो लेवल का आएगा तो एक्सट्रैक्शन भी लो लेवल के हिसाब से होगी, 30,000 के हिसाब से होगी, सब कुछ 30,000 के हिसाब से होगा। लेकिन प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने इनिशियली उसको कहा था मैं हाई लेवल का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, उसने आपको बहुत लो प्राइस कोट कर दी थी 1, बाद में अब आप उसको कह रहे हो यार मेरा ऑर्डर चेंज कर दो और इसको लो लेवल के ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, तो वो कहेगा ठीक है आपको मैंने जो डिस्काउंटेड प्राइस दी थी अब मैं प्राइस वापस बढ़ाऊंगा। सो मैं आप और हाई से आप लो पे आ रहे हो, तो हाई से लो पे आ रहे हो, तो मैं अब आपको प्राइस में 0.6 ऐड करूंगा। यानी इनिशियली 1 कोट किया था वो शर्त में था कि जब आप ऑर्डर हाई लेवल का ही प्लेस किए रखते, आप चूंकि इसको हाई से लो पे लेकर आ रहे हो, कम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे बल्कि हम आपको $0.6 अब ज़्यादा चार्ज करेंगे पहले के मुकाबले, 0.6 ऐड हो जाएगा। सो $397.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ आएंगे तो यहाँ 30,000 की जगह 38,000 हो जाएगा, यहाँ भी 38,000 हो जाएगा, और अब हम हाई से मीडियम पे आ रहे हैं, यानी हाई लेवल हमने इनिशियली प्लेस किया था और अब हम मीडियम लेवल को के ऊपर आ रहे हैं, यानी लो पे नहीं आ रहे। तो उसने कहा कि ठीक है हाई टू मीडियम फिर भी आप ऑर्डर साइज कम तो कर रहे हो, लेकिन अब हम 0.6 की जगह 0.25 की पेनल्टी आपको चार्ज करेंगे, क्योंकि आप कम तो कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रहे हो। सही आ गए। उसके बाद लास्ट इसमें वो हाई पे ही रह रहा है, तो देर विल बी नो पेनल्टी, द प्राइस विल रिमेन टू बी सेम, बस आपने इसको 50,000 कर देना है और इसको भी 50,000 कर देना है। सो 962.5। सो तमाम 9 पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए जो पार्ट ए में उसने हमें कैलकुलेट करने को कहा था। प्रिपेयर अ समरी विच शोज द बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न्ड बाय रिसेक पीएलसी फॉर द कमिंग ईयर ऑफ ईच फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल 9 आउटकम्स 14 मार्क्स। तो ये हमारा पार्ट ए हो चुका है।
पार्ट बी के लिए उसने कहा कि स्टेट द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर कमिंग ईयर विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू द यूज ऑफ मैक्सिमेक्स मैक्सिमिन एंड कमेंट ऑन रिस्क प्रेफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट विच इज इंडिकेटेड बाय ईच। तो दो बातें करनी है, पहले तो हमें बताना यह है कि अगर वो मैक्सी मैक्स यूज करता है तो क्या होगा। मैक्सी मैक्स अप्रोच जो होती है वो एक रिस्क सीकर के लिए होती है, एक ऐसा बंदा जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, बस वो सिर्फ ये देखता है कि उसका जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, क्या वो रिस्क लेने के काबिल है या नहीं है। तो मैक्सी मैक्स देखता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि हर ऑप्शन का जो बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट है या कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। जैसे अगर हम लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना मिल सकता है, 837.5। ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है जिसको मैं येलो से डिनोट करता हूं। यहाँ पर 912.5 हो सकता है और यहाँ पर 962.5 हो सकता है। सो ये सबके बेस्ट पॉसिबल और प्रॉफिट है। अब इन बेस्ट में से भी कौन सा सबसे बेस्ट है, 962.5 हाई लेवल। तो मैक्स के हिसाब से जो डिसीजन आएगा वो आएगा हाई लेवल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको हाई लेवल का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए अगर आप मैक्सिमैक्स रूल अप्लाई करते हो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाई लेवल का है। अब इसका चांस है नहीं है, नो वरीज, हम 962.5 की बेस पे डिसीजन लेने क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सेकंड है मैक्सिमम क्राइटेरिया, ये एक रिस्क अवर्स बंदा इस क्राइटेरिया को यूज करता है। रिस्क अवर्स का मतलब ये है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सेफ करना चाहता है, और वो ये देखेगा कि यार हर ऑप्शन में सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। लो के केस में सबसे वर्स्ट हो सकता है 457.5, यानी कम से कम भी मिलेगा तो इतना मिलेगा, इसमें 442.5 मिलेगा और इसमें 397.5 मिलेगा, तो इसका जो वर्स्ट है वो बहुत कम जा रहा है, इसका थोड़ा सा उससे ऊपर है। और सबसे अच्छा वर्स्ट के केस में सबसे बुरी कंडीशन लो वेस्ट अवेलेबिलिटी की है और उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन लो वाला है, लिहाजा वो इसकी बेस पर फैसला कर लेगा। वो उसका जो डिसीजन होगा वो होगा कि वो लो लेवल ऑफ ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि लो का जो वर्स्ट भी है वो बाकियों के वर्स्ट के मुकाबले में फिर भी बहुत बेहतर है, लिहाजा वो उसको चूज करें। एक क्राइटेरिया जो क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ वो मैं आपको करवा देता हूँ उसमें, और वो है मिनी मैक्स रिग्रेट टूल। ये एग्जामिनर ने नहीं कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर, सो हम फिर भी इसको ट्राई कर लेते हैं कि मिनी मैक्स रिग्रेट टूल अगर करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं रिग्रेट टेबल। रिग्रेट टेबल में हम करते क्या है, सो मैं ऊपर से कुछ चीजें कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, विल बी नीडिंग इट इन द सेम फॉर्मेट। नाउ रिग्रेट टेबल है क्या, पहले ये देख लेते हैं। रिग्रेट टेबल ये बताता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया हो और एक पर्टिकुलर कंडीशन बाद में आ जाए तो आपको कितना रिग्रेट फील हो रहा होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जरा क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए सोच के कि अगर लो लेवल ऑफ वेस्ट अवेलेबल होगा तो लो लेवल ऑफ वेस्ट के केस में इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर ये पता चल जाए कि लो लेवल ऑफ वेस्ट अवेलेबल होने वाला है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख के बताइए कौन सा होगा, लो लेवल का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट लो लेवल ऑफ वेस्ट की केस में लो लेवल ऑफ ऑर्डर प्लेस करके होगा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ये बेस्ट है लो के केस में और आपने भी लो लेवल ही चूज किया होगा तो क्या इस केस में आपको कोई रिग्रेट
फील करना पड़ेगा, क्या आप पछता रहे होंगे कि यार आपने ये क्यों किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है इस केस में, सो रिग्रेट नहीं हो रहा होगा। सो आपका बेस्ट ऑप्शन भी यही है और आपने चूज भी यही किया हुआ है, सो देयर विल बी नो रिग्रेट, जीरो रिग्रेट होगा। लेकिन अगर आपने लो लेवल ऑफ वेस्ट अवेलेबल के केस में मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया था इनिशियल और बाद में पता चला लो लेवल की जरूरत है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 442.5, जो कि इससे कम है बेस्ट ऑप्शन से। तो उस वक्त आप ये रिग्रेट कर रहे होंगे, काश हम लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करते तो हमें 457.5 का प्रॉफिट हो रहा होगा, अभी हो रहा है 442 का, यानी कितना कम हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस, और ये रिग्रेट कहलाएगा। सो आप क्या करो, आप इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आपका, उसमें से आप इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, द बेस्ट ऑप्शन में से चूजन ऑप्शन को माइनस कर दें, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना कम प्रॉफिट आपको मिला, कितने का आपको रिग्रेट हो रहा होगा, $15 का रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि आप कमा सकते थे 457.5 जबकि हमने कमाया होगा 442.5 लो के केस में, अगर हमने मीडियम चूज किया होगा। सो थर्ड केस में हमने अगर हाई चूज किया होगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन लो वेस्ट के अंदर लो लेवल का ऑर्डर है, तो हम इतना कमा सकते थे, लेकिन अगर हमने इतना कमाया होगा तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिग्रेट होगा। सो इतना हम कमा सकते थे और इतना हमने कमाया होगा अगर हमने लो लेवल ऑफ वेस्ट अवेलेबल के केस में हाई लेवल का ऑर्डर प्लेस किया, $60 का रिग्रेट। सो जल्दी से वीडियो पॉज करके बाकी तमाम के अंदर रिग्रेट कैलकुलेट करें और फिर वीडियो अनपॉज करके चेक करें कि कितना कितना रिग्रेट हुआ है। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो लेट्स गो एंड सी मीडियम लेवल में बेस्ट ऑप्शन पहले कौन सा है। मीडियम लेवल में अगर मीडियम लेवल का वेस्ट आ जाए तो बेस्ट ऑप्शन इज द मीडियम लेवल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी में होगा, तो वो बेस्ट है। तो अगर आपने मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस किया हुआ हो, सॉरी लो लेवल का ऑर्डर प्लेस किया हुआ हो और वेस्ट आ जाए मीडियम लेवल का, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 617.5 जबकि बेस्ट ऑप्शन था 655.5, यानी अगर आप पहले ही मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस कर देते तो आपको 655.5 का प्रॉफिट मिल सकता था, जबकि अब आपको मिल रहा है 617.5 का। तो आप बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, उसमें से जो आपने चूज किया होगा उसको आप माइनस करें, ये देखने के लिए कि अगर हमने लो लेवल का ऑर्डर प्लेस किया होगा मीडियम लेवल के वेस्ट अवेलेबल होने के केस में तो हमें कितना कम प्रॉफिट मिल रहा होगा, 38, तो बेस्ट के मुकाबले में इतना मिला। लेकिन क्या मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस करने के बाद मीडियम लेवल का ऑर्डर आ जाए तो क्या हमें कोई रिग्रेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो हमें रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि हमने बेस्ट ऑप्शन ही चूज किया होगा इस केस का, जीरो। और सेकंड में बेस्ट में से आपने जो चूज किया होगा वो माइनस कर दें तो $19 का रिग्रेट आ रहा है। उसके बाद लो हाई लेवल के केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन भी हाई लेवल का ही है, तो बेस्ट तो ये है, लेकिन अगर हमने लो लेवल का चूज किया होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम आ रहा होगा, कितना कम आ रहा होगा ये हमें देखना है, माइनस कर देंगे इसमें से ये। और मीडियम चूज किया हो और बेस्ट ऑप्शन हो हाई लेवल का, तो मीडियम का प्रॉफिट उसमें से माइनस करके देखेंगे कितना रिग्रेट। और अगर हमने हाई लेवल ही चूज किया होगा और बेस्ट भी हाई लेवल ही है तो हमें कोई रिग्रेट नहीं हो रहा होगा। अब हमारे पास हर ऑप्शन के पॉसिबल रिग्रेट्स आ रहे हैं कि अगर लो लेवल का हमने ऑप्शन चूज किया हो तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि ऑर्डर वेस्ट लेवल भी लो लेवल का आ जाए तो उस केस में तो हमें कोई रिग्रेट नहीं हो रहा होगा, हमने बेस्ट ऑप्शन ही चूज किया होगा। लेकिन जैसे ही अगर हमें कंफर्म होता है कि मीडियम लेवल का वेस्ट आ गया तो हमारा प्रॉफिट जो कि बेस्ट हो सकता था वो बेस्ट नहीं हुआ और हमें 38 का लॉस हुआ होगा, फिर 125। सो दीज आर ऑल कॉल्ड रिग्रेट्स। अब हम ये देखेंगे कि किस केस में मैक्सिमम कितना रिग्रेट हमें हो सकता है, सो हम मैक्सिमम रिग्रेट्स निकालेंगे। अब आप इधर तीनों को कंपेयर करें, एक पॉसिबल है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि $38 का होगा, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है लो केस को चूज करने का कि हमें $125 का रिग्रेट हो रहा होगा। तो मैक्सिमम जो हमें रिग्रेट हो सकता है लो के केस में वो $125 का हो सकता है, हाई मीडियम के केस में $50 का हो सकता है, और हाई के केस में $60 का हो सकता है। सो ये तीन पॉसिबल रिग्रेट्स हैं जो हमें मैक्सिमम हो सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस के केस में।
अब ये बताइए, कोई भी शख्स क्या ये चाहेगा कि उसको ज्यादा रिग्रेट हो? नहीं। लिहाजा वो ऑप्शन चूज करेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिग्रेट भी बाकियों के ज्यादा से ज्यादा से कम हो। लो का सबसे ज्यादा रिग्रेट 125 है, मीडियम का ज्यादा भी हो जाएगा तो 50 होगा, और हाई का ज्यादा हो जाएगा तो 60 रिग्रेट होगा। तो इन तीनों में से सबसे कम रिग्रेट किस ऑप्शन में हो रहा है? मीडियम ऑप्शन में हो रहा है, तो हम मीडियम ऑप्शन को चूज करेंगे। सो अगर कोई शख्स मिनिमाइज करना चाहता है अपना मैक्सिमम रिग्रेट, तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? उसका डिसीजन क्या होगा? उसका डिसीजन होगा मीडियम लेवल ऑफ ऑर्डर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट भी, अगर ज्यादा से ज्यादा रिग्रेट भी हो जाए तो वो दूसरों के मुकाबले में कम हो। इसको कहते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट। अब लास्ट क्राइटेरिया एक और है, एंड दैट इज एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक वेटेड एवरेज वैल्यू है, और ये किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अगर आपने इंक्रीज करना है उसके लिए यूज होता है। यानी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लें कि किस ऑप्शन के अंदर आप, जो कौन सा ऑप्शन आप बार बार चूज करोगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में ज्यादा ज्यादा होगा। बहुत आसान है, आपको जस्ट प्रोबेबिलिटीज को यूज करके एवरेज निकालना है। पहले हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है। हाई सॉरी लो लेवल की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.2, 0.5 मीडियम एंड 0.3 लो, और इन सब का सम हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। 100% इन तीनों में से ही कुछ होगा। सो 1 प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब सबकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे। मैं यहीं पर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखना ये कि लो के केस में क्या क्या पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल है 457.5, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो आप इसको अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें प्लस कर दें। उसके बाद 617.5 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से, फिर प्लस करेंगे 837.5 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। तो हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इन सबको फिर ऐड कर देंगे आखिर में, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि इस हाईएस्ट से कम होगा और इस लोएस्ट से ज़्यादा होगा। सो इट्स विल बी द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लो लेवल ऑफ ऑर्डर। अगर इन बार बार हम लो लेवल का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा वो हमारा 651.5 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम वेटेड एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से आप वीडियो पॉज करें और मीडियम लेवल और हाई लेवल की वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करें। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स डू इट नाउ। 442.5 इनटू द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज स्टिल 0.2। 655.5 आपको मिलेगा कब? जब आपके पास मीडियम लेवल ऑफ वेस्ट अवेलेबल होगा, जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। एंड 912 आपको मिलेगा जब आपके पास हाई लेवल ऑफ डिमांड होगी, इसकी प्रॉबर्टी 0.3 है। 690 आ गया। एंड लास्ट 397.5 इंटू 0.2 प्लस 636 इंटू 0.5 प्लस 962.5 इंटू 0.3। मिस्टेक कर ली थी। सो ये सब के वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बेस पर आप क्या डिसीजन लेते हो, आपको देखना पड़ेगा किसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। 651.5, 690 एंड 686.5। सो ऑब्वियसली 690.5 सबसे ज्यादा है। सो अगर हमें वेटेड एवरेज की बेस पे फैसला करना होगा तो हम मीडियम लेवल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। सो अब हमने चार क्राइटेरिया की बेस पर
डिसीजंस ले रही हो। आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो के एंड में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।